नमस्कार, IBN 24 पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ मोहित गोयत सीधी और लाइव तस्वीरें आप रोहतक से देख रहे हैं। आज जो है 8 मई है और आज से ठीक एक महीना पहले 8 अप्रैल को रोहतक के इतिहास में एक बहुत बड़ी जो लूट कांड हुआ था वो आपको तस्वीरों में दिखा दे। सामने आपको एक व्हाइट कार खड़ी दिखाई दे रही होगी, वहां से एक कैश वैन से 2,62,00,000 रुपए की लूट हुई थी। लूट हुई थी और उसमें दो बदमाशों ने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया था। इस मामले में पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल होती दिखाई दे रही है। कल ही जो सूचना मिली है वो सूचना ये मिली है कि पुलिस ने यहाँ से लेकर वो चोरी जहाँ हुई थी वहां से वो चोर यहाँ से होते हुए इस रास्ते से उस दिन 8 अप्रैल को रोहतक में CM मनोहर लाल खट्टर को शाम को आना था, इसी रास्ते से वो चोर यहाँ से भागे थे। और उस दिन हर चौक चौराहे पर पुलिस थी, वो चौक चाबंद थी, मुस्तैद खड़ी थी, मुख्यमंत्री का आगमन था, लेकिन वो चोर पुलिस की आंखों में धूल झोंकते हुए शहर को क्रॉस कर गए थे। लेकिन अब बड़ा अपडेट इस मामले में ये आया है कि पुलिस ने करनाल के पास असंध से जो CCTV फुटेज खंगाले हैं उसमें वो दोनों चोर हैं, जो दो लुटेरे थे जो यहाँ से उस गार्ड की जो डोगा बंदूक थी उसको भी छीन ले गए थे, वो वहां पे CCTV कैमरे में दिखाई दे रहे हैं। जानकारी सामने ये आई है कि जींद से असंध के लिए उन्होंने एक ऑटो किराए पे लिए, ऑटो का जो किराया था वो 700 रुपये जो है बताया जा रहा है, जो हमें जानकारी मिली है उसके अनुसार 700 रुपये में उन्होंने एक ऑटो को किराए पे लिया जींद से और असंध के लिए। एक जो युवक है वो गाड़ी में बैठता है, ऑटो में बैठता है और अपने पास जो जितना भी कैश था 2,62,00,000 रुपए अपने पास रखता है। दूसरा जो युवक था वो उसी बाइक पर उस ऑटो के पीछे पीछे जाता है और असंध की वो एक कॉलोनी में गए हैं, उनका कोई परिचित तो वहां पे बताया जा रहा है जो हमें जानकारी मिली है, लेकिन वो वहां पर ना मिलने के कारण 3 से 4 मिनट के बाद वो वहां से वापिस आ जाते हैं और करनाल की तरफ आगे निकल जाते हैं। पुलिस इस तफ्तीश में जुटी हुई है, लेकिन जो पुलिस के सूत्र है वो ये कह रहे कि हम जल्दी ही इस मामले का खुलासा कर देंगे। लगभग 500 के करीब जो है CCTV फुटेज खंगाले गए यहाँ से होते हुए जींद बाईपास। आपको बता दें इस मामले में आपको पहले भी बताया था कि जो चोर थे वो यहाँ से होते जींद बाईपास से होते हुए सुंदरपुर और टिटोली गए थे। टिटोली से पुलिस ने वो कैश बॉक्स भी बरामद किए थे, जिस कैश बॉक्स में वो कैश रखा था, वो वैन से चोरी किए थे, वो कैश बॉक्स थे वो टिटोली गांव से पुलिस ने बरामद किए थे। इसकी पुलिस ने आधिकारिक पुष्टि भी की थी कि हमने बरामद कर लिए, लेकिन जो पुलिस की जो सच्ची सुई थी वो लगातार जो कैश वैन के कर्मचारी थे उनके ऊपर घूम रही थी, उनको क्लीन चिट नहीं दी गई थी। इसी बीच में आपको एक बात और बता दें, जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त जो इस गाड़ी में जो सिक्योरिटी के तौर पे जो गार्ड मौजूद था उस गार्ड को 2 गोलियां भी मारी गई थी और उस गार्ड का वो टिटोली गांव का रहने वाला है, तो इस लूटकांड का जो संबंध था वो टिटोली गांव से भी संबंध रखता है। लेकिन फिलहाल जो पुलिस का पूरा फोकस है वो करनाल पर बन गया है, असंध पर बन गया, वहां आसपास के CCTV फुटेज हैं वो निकाले जा रहे हैं। पहले इस मामले में 2,00,000 रुपये इनाम रखा गया था, लेकिन फिर इसमें बढ़ा के 5,00,000 रुपये कर दिया गया था। इसी बीच में एक घटना और हुई, पुलिस को जानकारी मिलती है, रोहतक पुलिस को जानकारी मिलती है कि जो बदमाश लूट में शामिल थे उसी तरह के 2 बदमाश जींद जिले के एक गांव जिसका पालवा नाम बताया जाए पालवा गांव में बताए जा रहे हैं। जैसे ही रोहतक पुलिस की CIA 2 ब्रांच ने जब वहां पे छापेमारी की तो पूछताछ में 2 बदमाश सामने आए, बदमाशों ने देखते ही पुलिस के ऊपर क्रॉस फायरिंग शुरू होगी। इसी में एक हरियाणा पुलिस के जवान ASI अमित दलाल जो CIA 2 में तैनात था रोहतक, उसके पेट में गोली लगती है, पेट में गोली लगने के बाद उसको रोहतक के निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। ADGP भी यहाँ पहुंचे थे, IG भी रात को ही वहां पहुंच गए थे, उसके तुरंत बाद जो रोहतक के SP है कप्तान उदय सिंह मीणा है जो वो भी रात को ही एक स्पेशल टीम को लेकर STF को लेकर जींद के लिए रवाना हो गए थे, लेकिन वहां पर कोई सफलता हासिल नहीं हुई थी। लेकिन अब जो है पूरा दायरा है वो करनाल और असंध के बीच में पुलिस ने अपना बना लिया, वहीं से लुटेरों की जो जानकारी है वो लगातार सामने आ रही है और पुलिस बड़े करीब से उनके पास पहुंच गई, किसी भी वक्त इसका खुलासा कर सकती है, पुलिस ऐसा दावा कर रही है। अभी एक जानकारी और सामने आई है, जो कैश वैन के कर्मचारी थे अभी तक उनको क्लीन चिट नहीं दी गई थी, ये जानकारी भी बार बार सामने आ रही है, क्योंकि हो सकता है पुलिस ने बीच में उन लोगों से भी छानबीन शुरू की, उन लोगों की जांच भी की जो लोग कैश वैन से चोरी करते थे या कैश वैन में इस तरह की जो घटनाएं हुई उसमें करते थे। इसी बीच में सोशल मीडिया पे एक बड़ा सवाल ये खड़ा होगा, इसी बीच में
हिसार के अंदर एक बैंक से लगभग 20 लाख रुपए की लूट और गुड़गांव में इसी तरीके से लगभग 96 लाख रुपए की कैश लूट से लूट हो जाती है। लेकिन दोनों ही वारदातों का जो खुलासा है वो हरियाणा पुलिस कर देती है, हिसार पुलिस भी कर देती है और गुड़गांव पुलिस भी कर देती है, लेकिन रोहतक पुलिस के जो हाथ है वो अभी तक खाली है। ये एक बड़ा सवाल जो है रोहतक पुलिस के ऊपर लगातार लग रहा है, लेकिन रोहतक पुलिस जो है कप्तान उदय सिंह मीणा कह रहे हैं जल्दी ही हम इस मामले का खुलासा कर देंगे। अब हम वो आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिस वीडियो में वो जो लुटेरे हैं ऑटो में बैठ के असन से करनाल की तरफ जाते हुए वो दिखाई दे रहे हैं। हम आपको वो वीडियो दिखाएंगे, आपसे अपील है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहे, एक बार वो जगह दोबारा देख ले आप जहाँ से वो लूट हुई थी, यहाँ से लूट हुई थी। इसके बाद हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिस वीडियो में दिखाई दे रहे हैं कि वो लुटेरे असन से करनाल की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको हमने वो वीडियो दिखाई जिस वीडियो में वो लुटेरे जो है ऑटो में बैठ के जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जो पीछे पीछे बाइक पे युवक है वो भी हमने आपको दिखाया, वो उस ऑटो के पीछे पीछे जा रहे हैं। अब आपसे अपील ये है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। पुलिस का जो पूरा फोकस है वो करनाल जिले पर बन गया, असंध पे बन गया, लगातार सीसीटीवी फुटेज है, खंगाले जा रहे हैं। वहां तक पहुंचने के लिए भी पुलिस ने करीब करीब 500 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं, उसके बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुंच पाई है। पुलिस लगातार दावा कर रही है हम जल्दी ही इस मामले का खुलासा कर देंगे। पूरे हरियाणा की पुलिस की जो नजर है वो इस मामले पर बनी हुई है, क्योंकि मामला बड़ा था और दो ही आदमी अचानक कैसे इस तरह की घटना को अंजाम दे सकते हैं। आपसे अपील है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहे। आई बी एन 24 के लिए रोहतक से मोहित गोयल। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।